हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हमारे आर्किटेक्चर चैनल ग्रीस आर्किटेक्चर पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 30 फिट बाई 40 फिट का प्लॉट साइज। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान है। इस प्लॉट के 3 अदर साइड अदर लोगों की प्रॉपर्टी है और सामने की साइड हमारा मेन रोड है। यहाँ से हमने 9 फिट वाइड एंट्री दी हुई है। जैसे ही आप घर के अंदर एंट्री करेंगे तो आपके लिए यहाँ कार पार्किंग का एरिया मिलेगा और इस एरिया से हमारा स्टेयरकेस भी फर्स्ट फ्लोर के लिए अप करेगा। 9 फिट बाई 17 फिट 4.5 इंच का क्लियर स्पेस मिलेगा कार खड़ी करने के लिए। फिर यहाँ आपके लिए लेफ्ट हैंड पर 4 फिट 6 इंच वाइड ओपन पैसेज मिल जाएगा। यहाँ आप पौधे लगा सकते हैं और इस कॉर्नर में आपके लिए WC मिल जाएगा 4 फिट बाई 4 फिट 6 इंच का। ये जो WC रहेगा हमारा, ये ड्राइंग रूम के लिए रहेगा। ये हमारा ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम में जाने का रास्ता ये रहेगा। ड्राइंग रूम के वेंटिलेशन के लिए ये हमने विंडो दिया है गार्डन की साइड। ये हमारा ड्राइंग रूम में सोफा सेट रहेगा, ये सेंटर टेबल, इस वॉल पर हमारा TV यूनिट रहेगा। ड्राइंग रूम का साइज रहेगा 11 फिट 4.5 इंच बाई 11 फिट। फिर आपके लिए ड्राइंग रूम से एक एंट्री घर में अंदर जाने के लिए मिल जाएगी और दूसरी एंट्री आपके लिए कार पार्किंग वाले एरिया से मिलेगी। यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो आप सीधा लॉबी एरिया में आ जाएंगे। ये हमारा लॉबी एरिया रहेगा। इस साइड आपके लिए किचन मिल जाएगा फ्रंट पर ही, 7 फिट बाई 11 फिट का ये हमारा किचन रहेगा। किचन का वेंटिलेशन गार्डन की तरफ रहेगा, ये जो ओपन पैसेज है हमारा। यहाँ से किचन से आप सीधा मेन गेट पर देख सकते हैं। ये हमारा सिंक रहेगा, ये हमारा गैस स्टोव रहेगा। लॉबी का साइज रहेगा 18 फिट 9 इंच बाई 9 फिट 6 इंच। ये हमारा डाइनिंग टेबल रहेगा। इस साइड आपके लिए पूजा मिल जाएगा 5 फिट बाई 5 फिट का। फिर चलिए इस साइड आपके लिए ये बेडरूम मिल जाएगा 11 फिट 4 इंच बाई 12 फिट का। ये हमारा TV यूनिट रहेगा। बेडरूम का वेंटिलेशन इस वाली विंडो से होगा। हमने पीछे ओपन शाफ्ट दी हुई है 5 फिट बाई 4 फिट की। फिर लॉबी से आपके लिए ये टॉयलेट रहेगा, कॉमन टॉयलेट 5 फिट बाई 7 फिट 6 इंच का। ये हमारा टॉयलेट सीट रहेगा। ये शावर एरिया रहेगा, ये हमारा रहेगा वॉश बेसिन। फिर आपके लिए इस कॉर्नर में भी नेक्स्ट बेडरूम मिल जाएगा 11 फिट 4 इंच बाई 12 फिट का। ये हमारा बेड रहेगा। इस वाले बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए ये हमने विंडो दिया हुआ है और TV यूनिट आपके लिए इस वाली वॉल पर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने इस 30 बाई 40 प्लॉट को प्लान किया हुआ है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपके लिए प्लानिंग अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।